हमारी प्रदेश की तो बात ही निराली है। छत्तीसगढ़ राज्य की एक अभिनव पहल है मछली पालन की क्लस्टर आधारित खेती। किसान मछली पालन की सामूहिक खेती को अपनाकर हो रहे हैं आत्मनिर्भर। सरकार मत्स्य पालक किसानों की हर संभव मदद कर रही है। युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, कोई भी हो, जो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करा रही है सरकार। कोई अपने खेत में तालाब का निर्माण कराना चाहे, मछली पालन करना चाहे, या किसी को मछली बीज या अन्न दाना या बिजली की सुविधा चाहिए, तो सरकार ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा रही हैं। कुछ किसान तो ऐसे भी हैं जो पारंपरिक खेती से थोड़ा हटकर खेत में तालाब का निर्माण कर मछली पालन कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। सरकार के प्रोत्साहन से किसान हो रहे हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता की राह तब हो जाती है बहुत आसान जब हर संभव सहायता देकर सरकार बनाना चाहती है किसानों की नई पहचान। सरकार का ये प्रयास रहा है कि कैसे मत्स्य पालक किसानों की आय को दुगना किया जा सके। इसलिए सरकार मत्स्य पालक किसानों के लिए नित नई योजनाएं बनाती है, और ऐसी ही एक योजना है मत्स्य संपदा योजना, जिसने मत्स्य पालक किसानों का भाग्य बदल दिया और साथ ही मत्स्य पालन का तौर तरीका भी। सितंबर 2020 से लागू की गई मत्स्य संपदा योजना को 2024-25 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया। योजना का उद्देश्य है नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत व्यवसायी हों, मछुआरे हों, मत्स्य पालक या मत्स्य श्रमिक या मत्स्य विक्रेता, सभी को मिल रहा है मत्स्य संपदा योजना का लाभ। इतना ही नहीं, मत्स्य उत्पादकों का समूह, कंपनी और मत्स्य सरकारी समूह से जुड़े लोग भी इस योजना का लाभ लेकर हो रहे हैं आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देश भर के करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। समृद्ध मत्स्य पालक, समृद्ध किसान बन रहे हैं देश की नई पहचान। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत।